आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए पहले तुम लोग 11th का थोड़ा सा हल्का सा एक रिवीजन टाइप कर लेते हैं दो मिनट के लिए। 11th में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ट्रेडिंग में निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट और या ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकलता था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकलता था उसको हम लोग ले जाते थे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पर ले जाते थे, बैलेंस शीट में हम लोग ले जाते थे लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर लेते थे, फिर पूरी बैलेंस शीट बना लेते थे। काफी कुछ ये जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं ये उसी से मिलता जुलता है बट अलग है। ये है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट, ये ऐसे लोग बनाते हैं जिनका की ऑब्जेक्टिव सोसाइटी में वेलफेयर करना होता है और सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सेवा केवल होता है, सेवा और कल्याण। वेलफेयर मींस कल्याण और सेवा मींस सर्विस। ठीक है, आते हैं वापस। अब कौन से ऐसे लोग होते हैं, हम ही और आप हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अपना जो भी काम हम कर रहे हैं उसके बाद टाइम बच रहा है तो हम लोग ट्रस्ट खोल लिए, ट्रस्टी बना लिए। ठीक है, या कमेटी बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, कुछ व्यक्तियों का ग्रुप बना लिया, वो लोग मिल करके इसको चलाते हैं। अब जैसे उसमें होता था ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मिस्टर राम वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ईयर के लास्ट में उनको नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट में गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, उसके बाद वो जो पैसा बचता था वो चाहे जैसे यूज करें, घर ले जाएं, बच्चों को दें, कार खरीदें, घर बनवाएं, घूमें फिरें, कोई भी पैसे का अपना जैसा भी वो चाहे अपना यूज कर सकते हैं, कोई मनाही कोई रोक टोक नहीं होती है उनका, क्योंकि बिजनेस में उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी, इसमें ऑब्जेक्टिव उनका क्या होता है, वेलफेयर एंड सर्विस टू सोसाइटी। वेलफेयर एंड सर्विस प्रोवाइड टू सोसाइटी, केवल सेवा होती है। कैसे कर सकते हैं सेवा, हम लाइब्रेरी खोल लें, फ्री में किताबें प्रोवाइड करें, आप आइए हमारी लाइब्रेरी बैठ करके पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी लिटरेचर से रिलेटेड हैं या सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं बुक्स हमको लाइब्रेरी में मिलेंगी, आपको उनको पढ़िए, आपका कल्याण आराम से। दूसरा, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, फ्री में हमारे डॉक्टर देखेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो भी पेशेंट दिखवाने के लिए अपने को लेकर के आएंगे, मोस्टली नीडी पर्सन होते हैं, गरीब होते हैं, वो लोग आते हैं, उनको हमारे यहाँ के डॉक्टर्स देखेंगे और उनको जो है फ्री में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से प्रोवाइड की जाएंगी मेडिसिन वगैरह। स्पोर्ट्स क्लब हो सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब कैसे होंगे, हमने कोई स्पोर्ट्स क्लब खोल रखा है, मेंबर उसमें हम अपना मटेरियल परचेज करेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी है, क्रिकेट का मान लेते हैं तो बैट बॉल वगैरह हो जाएगा, जो भी इक्विपमेंट होते हैं क्रिकेट से रिलेटेड वो खरीदे जाएं, अरे मैं स्पोर्ट्स मटेरियल कहेंगे। ठीक है, अब वापस आते हैं, तो जो लोग इसमें खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे, उनका मनोरंजन होगा, एंटरटेनमेंट होगा, ये हमारे स्पोर्ट्स क्लब हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये चलेंगे कैसे, ऑर्गेनाइज कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए हम खुद, जैसे मान लो हम बनाना चाहें, एक हमने स्पोर्ट्स क्लब खोल लिया या लाइब्रेरी खोल ली, टीचिंग जॉब से हैं तो लाइब्रेरी ही खोलें ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा बहुत जानकारी भी रहेगी। हमने अपना एक जो है घर का या घर के घर में ही अपना साइड वाला रूम जो है लाइब्रेरी के लिए ले लिया अपने आप से, उसमें हमने 100 लोगों को सर्च किया, 100 लोगों को, उनसे कह दिया आप 1000 रुपीज हमको देना एनुअल, 1000 रुपीज एनुअल, 100 लोग, 100 के 2 जीरो, 1000 के 3 जीरो, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, 50, 1 के आगे 50, यानी 100000 रुपये हमको एनुअल मिल गया। ठीक है, हमने, हमारे कुछ मित्र हैं अच्छे हैं और पैसे में भी बढ़िया सम कंप्लीट व्यवस्था है, उनसे हम मिले तो उनसे हमने कहा ऐसा है हम लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं कुछ हेल्प करिए, तो उन्होंने कहा ऐसा है हम मेंबर तो ना बनाओ, इकट्ठा हमसे आप 100000 रुपये ले जाओ और लाइब्रेरी के लिए बुक्स परचेज कर लेना और कुछ काम करना। अब ये जो हमको पैसा मिलेगा, मेंबर बन नहीं रहे हैं तो ये जो पैसा आएगा ये डोनेशन बोला जाएगा, बोले हम डोनेशन देंगे आपको 1 लाख,
इसको आप ले जाइए और इस पैसे को आप जैसे यूज करना वैसे नहीं करेंगे, इसकी आप बुक्स खरीदेंगे। तो देखो डोनेशन हमारी दो तरह की होगी, डोनेशन हमारी दो तरह की होगी, एक स्पेशल डोनेशन एक नॉर्मल। इन्होंने बोला कि बुक खरीदना है, हमने कहा ठीक है हम 1 लाख की बुक परचेज कर लेंगे, तो ये हमारी स्पेशल डोनेशन हो गई। एक मित्र और हैं हमारे, उनसे भी हमने कहा भाई कुछ हेल्प करो और ऐसी ऐसी बात, बोले बहुत अच्छा काम है, हम 50,000 आपको देंगे, जैसे यूज करना आप यूज करना, कोई स्पेशल पर्पज नहीं। तो उसको हम चाहें तो बुक खरीदें या अपना फंड में रखे रहें, उससे हम कुछ भी खरीदेंगे आगे जो भी होगा हमारा। अब आगे वापस मेंबर हमारे पास कितने, 100। एक मेंबर कितना देगा, 1,00,000 आ जाएगा पूरे साल का। ये हमारा सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा, जो मेंबर से मिलेगा उसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन, जो हमें कोई हमारे मिलने जुलने वाले ये डोनेशन दे देंगे। बहुत से सोसाइटी में लोग हैं, उनसे जो पैसा एक बार में मिल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, वो डोनेशन होगा आपका। ठीक, कुछ लोग मेंबर नए एंट्री करते हैं तो उनसे जो हम फीस लेंगे एट द टाइम ऑफ एंट्री उसको बोलेंगे इंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। ये हमारी इनकम का साधन हो गया, ये पैसे हम बैंक में जमा कर देंगे तो बैंक से हमको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। कुछ पैसा हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास बच रहा है फंड, तो ये हमारी इनकम के सोर्स हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना अगर हम करके चलते हैं तो आ जाएगा। अब हम चैप्टर का नाम डालते हैं, चैप्टर है एनपीओ नॉट फॉर